आज अपने चैनल ग्लोरियस एजुकेशन सिस्टम में सब लोगों का वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो आर्म फोर्स से रिलेटेड है। जैसे कि पाप की अभी तक वैकेंसी आई है, एयरफोर्स की जो है ना, अभी एयरो ट्रेड्स की वैकेंसी आई है, तो उसकी हम प्रिपरेशन किस तरह कर सकते हैं। और जैसे कि अभी नेवी की आने वाली है जो कि दिसंबर में आएंगी, पी एन कैडेट्स की, सब किसी की मतलब कि जो प्रिपरेशन है ना एक ही होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है वो भी उस जगह रैंक के हिसाब से होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में, तो वीडियो स्किप मत करना, एंड तक देखना। तो सबसे पहले आपको गूगल या अपने कोई से ब्राउजर में जाना है। तो सबसे पहले आने के बाद जैसे ही आप आएंगे तो आपको सर्च क्या करना है, तो आपको देखो, अब आप सर्च करोगे कि आर्म फोर्सेस प्रिपरेशन। ठीक है, फिर लिखो, खुद ही आ जाएगा, आपको इधर से अंदाजा हो जाएगा प्रिपरेशन। तो अभी देखो ये सब चीज आ जाएंगी खुल के, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम क्या करें, कौन सी पे वेबसाइट पे जाएं। तो आपको ऐसा करना है कि इन सारी वेबसाइट्स को छोड़ के, क्योंकि फिर ये अकेडमीज की भी कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि आप मे भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको डायरेक्ट जाके अपनी gotest.com सर्च करना है। gotest.com, जैसे gotest लिख दो, जब gotest लिखोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, पहले पहले फर्स्ट नंबर पे फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है और बहुत ही जबरदस्त। इस वेबसाइट से सिर्फ अपना ये PMA की जितनी भी हैं उनको कवर कर सकते हैं, बल्कि CSS की टेस्टिंग भी इधर अवेलेबल है, तो आप इधर डायरेक्ट वेबसाइट पे आ सकते हैं। जैसे वेबसाइट पे आएंगे तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह की मतलब ये शो करवा रही है। तो CSS की टेस्ट, एंट्री टेस्ट, फोर्सेस टेस्ट, GK के टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, करंट अफेयर, फन क्विजेस, जॉब्स के बारे में बताएंगे। तो हमारा काम है अभी फोर्सेस की तरफ, तो PF की तरफ, तो अभी PF के बारे में चल रहा था हमारा। तो अब PF की जो वैकेंसीज हैं उसके हिसाब से मैं चल रहा था, तो आ जाते हैं हम PF की तरफ। जब आप आएंगे तो इधर आपको दिख रहा होगा, इसकी वैकेंसी भी बताएगा कि आपको, ये देखो आप आ जाएं, ये टेस्ट हैं तो आप कर लेते हैं। सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर फोकस करें आप अपना स्टेप बाय स्टेप। इंटेलिजेंस क्लियर होगी तो आप आगे जाएंगे, अदरवाइज आप आगे जा ही नहीं सकते। ठीक है, जब आने के बाद इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, और मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ कि आप इन टेस्टों को सॉल्व करें और उसके बाद पेपर में बैठे, इंशाल्लाह इनिशियल क्लियर होगा आप। अब देखो ये टेस्ट पे ले लेते हैं हम। इस वेबसाइट की एक खासियत भी है लेकिन नुकसान भी है, कि नुकसान ये है कि टाइम ज़्यादा देता है, लेकिन आपको ये फोकस करना है कि कम टाइम में कर सकूँ, आपका टाइम इसमें मतलब कि कम जितना हो, क्योंकि उधर टाइम इतना नहीं मिलता जितना इधर इधर इस वेबसाइट पर दिया जाता है। 60 मिनट सिर्फ 25 क्वेश्चन के लिए, तो उधर आपके पास टाइम बिल्कुल ही कम होगा, तो इसलिए आप इधर प्रिपेयर करें। अच्छा, तो इन्होंने इसलिए टाइम दिया है। स्टार्ट द टेस्ट, स्टार्ट करेंगे टेस्ट को, तो आप शुरू हो जाएगी स्टार्ट द टेस्ट के बाद, जो टाइम भी चलता जा रहा है, और ये 10 टेस्ट स्टार्ट होगी अभी। ठीक है, हो गई। इसेंस इज टू फ्लावर इज हीट इज टू ऑन, ये एक जरा हम लगाए कि अब देखते हैं कि गलत है कि सही। हीट की तरफ वो क्या बोल रहा है कि फ्लावर के अंदर से इंसेंस होता है, वो ओवन के अंदर से हीट होती है। देखते हैं क्या है मान, सही है गलत है। सही है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये टेक्निक कोडिंग वाली, इस टेक्निक पे जितना ज्यादा फोकस कर सकते हैं आप लोग करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ये देखो कोडेड, इस टेक्निक के बाद बताता हूँ बॉक्स। ठीक है, अब ये बॉक्स कोडेड करा गया है इसमें। ठीक है, तो अब कोड को हम किस तरह लिखेंगे, इस चीज में ये होता है कि आप देखें कि इसके अंदर, उसके अंदर ये दो बॉक्स और कोड के अंदर कौन कौन सिंबल सेम है, वो सेम है इसके अंदर।
है, या तो आप ऐसा भी ले सकते हैं कि बी। तो दोस्तों आ गए वापसी हम वीडियो पे। तो ये मैं आपको बता रहा था, ये याद रखना कोडेड, ठीक है। तो कोडिंग वाली थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन बस ये ज्यादा ट्रिक होती है बस इसके अंदर की। ये देखो मैं बता रहा था ना, पी क्यू मिल गया, तो अभी इसमें भी पी क्यू था दोनों में, ठीक है। लेकिन एक वर्ड की मिस्टेक हो गई थी मुझसे कि ये इसमें, तो मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा। तो इसलिए बाद में आपको बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि अभी ज़्यादा बड़ी वीडियो जाएगी तो अब आ जाते हैं और जो मेन चीज़ हमारी इंटेलिजेंस में पूछी जाने वाली। ओ यस, ये जो चीज़ है इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करें, इस चीज़ पे, क्योंकि ये तकरीबन क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। दिखने में तो आसान लगते हैं लेकिन है मुश्किल, याद रखो दिखने में आसान है मुश्किल। हर तरीके से टेक्निक लगती है और अलग अलग टेक्निक के साथ आते हैं ये, जो कितने भी क्वेश्चन है ना अलग अलग टेक्निक के साथ आते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा आते हैं क्वेश्चन इस लेवल पर। जितने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ना इसके, तो आप सोच भी नहीं सकते, मतलब तकरीबन ज्यादा आधे ज्यादा क्वेश्चन जो इंटेलिजेंस में पूछे जाते हैं वो इसी में से ही पूछे जाते हैं और बाकी कहीं से भी नहीं पूछे जाते। तो इसके लिए फोकस करना कि या तो हमें इसमें प्लस करना होता है या ऐड करना होता है, या प्लस करके माइनस करना होता है, माइनस करके प्लस करना होता है। ये पूरी टेक्निक होती है जो कि आप खुद समझनी होगी बैठ के, क्योंकि मैं हर एक स्टेप पे अगर आपको समझाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टेप पे एक जगह प्लस करना है तो एक जगह पे माइनस करना है, ठीक है। अब इसकी टेक्निक आपको समझा देता हूँ कि 10 है तो उसके हिसाब से उसने 48 किया है, ठीक है, तो 50 बन गया। अब उसने 200 ऐड कर दिया 40 के बाद, जब 10 के अंदर 48 किया है, 40 के बाद 200 ऐड किया है, तो 250 के बाद इसने 1000 ऐड किया है, तो बाकी इसके बाद कितना ऐड करेगा इसके अंदर, समझ आ रहा है कुछ नहीं? ये सोच रहा हूँ कि 40, 100 और ये क्या बोलते हैं, अब जिसने 48 करा फिर 200, 4 का पहाड़ा लग रहा है तकरीबन, इसमें 4 दिन 40, लेकिन देखते जाओ इसमें ये पूरी टेक्निक लगी पड़ी बहुत बड़ी इसके अंदर, ठीक है। तो इसको स्किप कर, टाइम लग जाएगा वीडियो में, तो आपको सॉल्व करके दूंगा। अब ये वो आ जाते हैं इसमें, अब ये जो बता रहा था मेटिंग वाला, अब 10, 20, 30, 40, 50, अब को 60 होगा इसके बाद, ठीक है। अब देखो 60 आ गया, यही कुछ चीजों में टेक्निक है। अब ये थोड़े से ये इतने ज्यादा पूछे नहीं जाते, संडे डॉन 3 डेज बिफोर यस्टरडे आफ्टर टुडे, इसमें भी एक तरह की टेक्निक है, लेकिन ये इतने ज्यादा पूछे नहीं जाते, इनमें फोकस ना दें तो बेहतर है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। स्पॉट द स्ट्रेंजर, हाँ ये ज्यादा पूछे जाते हैं, ये आते हैं एनोलॉजीज के थ्रू, मतलब ये एनोलॉजी का ही टॉपिक है रिलेटेड, मदर सिस्टर और ये रिलेशनशिप वाले भी। फोकस करते जाएं, अब आ जाते हैं, आपको इंटेलिजेंस की कुछ ट्रिक्स बता दी हैं बाकी मैंने, बाकी वो मेन चीज़ ये जितनी दिखने में मुश्किल लग रही है उतनी मुश्किल है नहीं, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसके अंदर भी एक तरह की ट्रिक इस्तेमाल हुई पड़ी, ठीक है। ई एफ जी दिख रहा है कहीं, जी नहीं, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी, इस पर टिक करके देखते हैं। सही है, अब आपको समझ आई ये क्या सीन था इसमें। ये देखो अब ये ई के बाद आ रहा है, ये ई दिखाता हूं आपको, पहले ये दिख रहा है ना, ये ई,